दक्षिण अंडमान के शोर पॉइंट क्षेत्र में शोर पॉइंट यूथ ब्रदर्स के द्वारा काफी बड़े पैमाने पर मकर संक्रांति का आयोजन किया गया। शोर पॉइंट यूथ ब्रदर्स के सदस्यों ने मकर संक्रांति के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं, क्रिकेट प्रतियोगिताएं, म्यूजिकल चेयर आदि शामिल है। ममूपराज क्षेत्र के स्थानीय पत्रकार राजेश ने चैनल वन न्यूज को बातचीत के दौरान ये बताया कि इस अवसर पर शाम के वक्त शोर पॉइंट यूथ ब्रदर्स के अलावा एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। तो लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस तरह से शोर पॉइंट क्षेत्र में मकर संक्रांति की धूम देखने को मिली। कई तरह की प्रतियोगिताएं यहां पर आयोजित की गई। ये काफी बड़ी संख्या में आप लोगों को देख सकते हैं वहां पर पहुंचे थे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। छोटे बच्चों ने यहां पर अपने नृत्य की प्रस्तुति दी, डांस कॉम्पिटिशन यहां पर देखने को मिला और इस तरह से जो युवा वर्ग है, जो युवा प्रतिभाएं हैं, उन्होंने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहां पहुंचे तमाम लोगों का भरपूर मनोरंजन किया अपनी कला के द्वारा और इस तरह से मकर संक्रांति की धूम शोर पॉइंट क्षेत्र में छाई रही। अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं वहां पर आयोजित की गई। कबड्डी की भी प्रतियोगिता वहां थी, क्रिकेट की भी प्रतियोगिता वहां पर थी, डांस कॉम्पिटिशन वहां पर करवाया गया और इस तरह से हर प्रतियोगिता का जो विनर रहा उसे अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। काफी बड़ी तादाद में, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे थे। बच्चे लोग के लिए जो भी स्पोर्ट्स है वगैरह है, एंकरेज करते हैं हम लोग, जो भी है स्पोर्ट्स के लिए काफी ग्राउंड नंबर फोर पॉइंट में है और उनको भी थोड़ा कुछ हम आने के बाद डेवलप किया और बच्चे लोग के लिए पूरा जो भी है सपोर्ट है बैठ करके हम लोग पूरा सपोर्ट उनको करते हैं। बच्चे लोग आगे बढ़ने हैं। एक ग्रुप का नाम है शोर पॉइंट यूथ ब्रदर्स। एक ग्रुप फॉर्म होने के बाद ये पहला प्रोग्राम है जो मकर संक्रांति को, इससे पहले हमारे जो सीनियर ब्रदर्स होते थे वो किया करते थे, अभी इनके बाद ये हमारा पहला प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में हम काफ़ी सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करे हैं, जैसा पहला क्रिकेट मैच हुआ, उसके बाद वॉलीबॉल टूर्नामेंट, उसके बाद विलेज लेवल कबड्डी टूर्नामेंट और कल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स भी है, लेडीज एंड गर्ल्स अलग अलग स्पोर्ट्स और बड़ों के लिए, लेडीज के लिए कॉलम कॉम्पिटिशन का भी आयोजन किया गया है और रात को कल्चरल प्रोग्राम, फोक डांस वगैरह डांस प्रोग्राम होगा और इस डांस प्रोग्राम में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। तो चलिए इसके साथ